अच्छा सप्तर्षि भाई, ये हॉलीवुड में हमने सदियों से देखा है, बड़े बड़े नामचीन एक्टर्स एनिमेटेड फिल्मों में डबिंग करते हैं, देवर लाइक द मेन लीड्स ऑफ दोस फिल्म्स। वो फिल्मों के जी जब टाइटल्स जी भी आते थे तो फला एक्टर का नाम आता, इट्स लाइक मेन फिल्म वो ही होते थे। बट हमारे यहाँ जब रणवीर सिंह ने डेडपूल या के टाइगर श्रॉफ ने स्पाइडरमैन में अपनी आवाज दी तो उन्हें काफी लैश आउट मिला था। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में लोग स्टार्स की आवाज को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? ये ना ये ट्रेंड शुरू हुआ था, अगर आपको याद है दिव्या, अक्षय ने डम्बो, डम्बो से पहले ट्रांसफॉर्मर्स किया था, करेक्ट, और शाहरुख डिड दिस इनक्रेडिबल्स। इनक्रेडिबल्स। अनफॉर्चुनेटली चाहे वो स्क्रिप्ट लेवल पे हो, चाहे वो वॉइस एक्टिंग के लेवल पे हो, ऑडियंस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पिक्चरें हालांकि अच्छी थी। मेरा ये मानना है, मैं कोई नहीं होता हूँ, आई एम अ वेरी वेरी स्मॉल फ्राई, मैं एक नगण्य सा एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, पर मैं हमेशा से यही कहता रहा हूँ। बिकॉज आज चलिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने जंगल बुक डब की थी, जो डिज्नी की जंगल बुक थी, जो आई थिंक नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई थी 2 साल पहले ड्यूरिंग करेक्ट, क्रिसमस, एंड आई डब फॉर बघीरा द पैंथर। बट बाद में इट वाज द कंपनीज डिसीजन टू गेट इट डब बाय अभिषेक बच्चन, जी सो एंड ही डिड अ वेरी फाइन जॉब। बट मैं दैट हैपेंस बिकॉज यू नीड टू ट्रेन और यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अ वर्कशॉप विद दैट सिने एक्टर, जिनको अपनी आवाज को ही डब करने, जो अपनी आवाज को डब करने के आदी है, जो अपने ही डायलॉग्स को डब करने के आदी है, जो अपने ही फेस पे अपनी आवाज देते हैं। There has to be some kind of a workshop, because quite frankly, yeah, quite honestly, हम ऐसे ही तो नहीं पहुंचे ना इधर। इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद अब भी जब हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उस कैरेक्टर को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, माइक पोजिशन देखना पड़ता है, आपका थ्रो क्या होगा, आपका लेवल क्या होगा, पर्सपेक्टिव क्या क्या होगा। देर आर सो मेनी थिंग्स टू नो अबाउट व्हेन यू स्टार्ट अ वॉइस एक्टिंग, व्हेन यू डब, व्हेन यू डू अ मिक्सिंग, व्हाई इट इज डिफरेंट from a narration voiceover, and how lip sync is different from a corporate film or an ad film। तो ये सब या तो आप सीख के आइए, या तो फिर आप हैंड्स ऑन आप सीख के इंडस्ट्री में रहते। तो इनमें से कोई भी पैरामीटर में ये बड़े स्टार फिट नहीं होते। नतीजन ये होता है कि जब ये लोग डब करते हैं तो दे डोंट गेट इनटू दिस कैरेक्टर। दैट्स व्हाट आई थिंक, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, they don't get into the character, and as a result क्या होता है कि ऑडियंस को पता चल जाता है कि भाई ये चीटिंग हो रही है, ये डबिंग हो रही है, एंड इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करते। भाई जनता जनार्दन है, आप उसके उनके ऊपर बात ही नहीं कर सकते। उनको अगर पसंद आया आपको सराखों पे बिठा लेंगे, उनको पसंद नहीं आया तो वो मतलब फर्श पे लाके खड़ा कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो वही मैं मिस करता हूँ। बिकॉज फॉरेन में क्या होता है कि जब इतने बड़े बड़े सिने एक्टर जब वो डब करते हैं, बाकायदा वर्कशॉप किया जाता है, महीना 2 महीना कैरेक्टर समझाया जाता है, वो राउंड टेबल पे बैठ के वो लोग रिहर्सल्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आप इतना टाइम दीजिए बड़े स्टार्स को, देखिए वो भी अच्छा बहुत अच्छा काम करेंगे। आप उनको समझाइए कि आप एक अच्छा डबिंग डायरेक्टर रखिए, जो स्टार्स के ऑ में ना आके स्टार्स को जस्ट एक्टर समझ के जो उनको डायरेक्ट कर सके। रीटेक बोले तो रीटेक करना पड़ेगा, नहीं मतलब नहीं, आप फिर से वापस रीटेक कीजिए, वहां पे फिर स्टार का ईगो नहीं आना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती है, इस वजह से कभी कभी लाइक इंटिमिडेटिंग हो जाता है जब आप कोई बड़ा एक्टर आ जाता है करने के लिए, अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है या अगर उसके पास टाइम नहीं है, तो मतलब वो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट सफर करता है, और प्रोजेक्ट सफर करेगा तो ऑडियंस को पसंद, एज सिंपल एज दैट।